हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेलो फ्रेंड टीवी। दोस्तों, वेट लॉस करना चाहते हैं तो एक सिंपल आपको चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो दिन में आप जितनी कैलोरीज खाते हैं वो कम होनी चाहिए जितनी आप कैलोरीज बर्न करते हैं। बस ये सिंपल फॉर्मूला आपको फॉलो करना है और आप इजीली वेट लॉस कर पाएंगे। लेकिन काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है, कन्फ्यूजन रहती है कि हम कैसे कैलकुलेट करें कि हम कितनी कैलोरीज खा रहे हैं और क्या कैसे कैलकुलेट करें कि हमने कितनी कैलोरीज बर्न की है। तो आज मैं आपको ये सारी कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे हम जानें कि हम कितनी कैलोरीज खा रहे हैं। तो इसके लिए आपको गूगल के या आईफोन का जो आपका प्ले स्टोर होता है, ऐप स्टोर होता है, उसमें आपको जाना है और हेल्दी फाई मी नाम की एक एप्लीकेशन है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उस जैसी एप्लीकेशन और भी मिल जाएंगी आपको, लेकिन इंडिया के फूड आइटम के अकॉर्डिंग वो सबसे अच्छी एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और उसमें आप हर फूड आइटम की कैलरीज जान सकते हैं कि आप अगर रोटी खाते हैं तो रोटी के अंदर कितनी कैलरीज हैं, अगर आप कर्ड खाते हैं या ब्रेड खाते हैं ब्रेड के अंदर कितनी कैलरीज हैं। उसमें हर फूड आइटम कवर है, इंडियन फूड आइटम, तो आप इजीली जान सकते हैं कि आप दिन में कितनी कैलरीज खाते हैं। और जैसे कि मैंने अपने न्यूट्रिशन 101 सीरीज़ में आपको बताया था, जिसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, कि अगर जब आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसके अंदर 4 कैलरीज होती हैं, 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं उसके अंदर भी 4 कैलरीज होती हैं, और 1 ग्राम फैट खाते हैं तो उसके अंदर होती है 9 कैलरीज। तो इसी बेसिस पे टोटल जो हम फूड आइटम होता है उसकी कैलरीज निकलती हैं कि कितना उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है, कितना फैट है। ये सभी आपको हेल्दीफाई मी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। आप इजीली बस फूड आइटम का नाम डालिए और आपको उसकी कैलरीज इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये तो हुई कैलरीज हम कितनी खाते हैं वो कैसे जानें। दूसरी बात जो हमें जाननी है कि कितनी कैलरीज हम बर्न करते हैं वो कैसे पहचानें। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BMR। BMR बताता है, जिसका बिड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको सिर्फ अपनी हाइट, वेट और एज डालनी है, वो कैलकुलेटर आपको इजीली आपका BMR निकाल देगा। BMR क्या होता है, अगर आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल सिडेंटरी, आप कुछ नहीं करते हैं पूरा दिन, आप बेड पे पड़े रहते हैं, तब भी आपकी बॉडी को एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। आपकी जो अंदर ऑर्गन्स होते हैं उनको फंक्शनिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, उसको हम बोलते हैं BMR। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका BMR 1500 कैलोरीज है और आप एक्टिविटी लेवल, आप काफ़ी ज़्यादा बड़े एथलीट हैं, आप ज़्यादा रनिंग करते हो रोज़ाना और 1000 कैलोरीज आप रनिंग के थ्रू बर्न करते हैं, तो टोटल हो गया 1500 प्लस 1000 2500। इसका मतलब ये है कि आपकी जो डेली की फूड रिक्वायरमेंट है वो 2500 कैलोरीज है। अगर आप 2500 कैलोरी से रोज़ाना 2200 या 2300 कैलोरीज खाते हैं तो धीरे धीरे आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप 2500 कैलोरीज से थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, 2600 या 2700 कैलोरीज, तो आपका धीरे धीरे वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। बस ये सिंपल प्रोसेस है, आप जिससे वेट लॉस भी कर सकते हैं, वेट गेन भी कर सकते हैं और आप अपना वेट मैनेज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सेम वेट पर रहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप कैसे अपनी कैलोरीज काउंट करें और कैसे आप वेट लॉस और वेट गेन ईजिली कर सकते हैं सिर्फ कैलोरीज मेथड को फॉलो करके। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल हेलो फ्रेंड टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ भी हम काफ़ी अच्छी पोस्ट डालते रहते हैं। थैंक यू सो मच।